गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिले में थानावार लॉकडाउन की हटी पाबंदी, जिलाधिकारी ने कहा अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन के 100 मीटर के एरिया में रहेगी पाबंदी, जिले के आला अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। अररिया बिहार से 19 नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाए जा रहे नाबालिग बच्चों को गोरखपुर जिले के AHTU पुलिस टीम द्वारा किया बरामद, 9 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सदस्य अनिल गुप्त के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया गहरा शोक, कहा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी सभी परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की दे सकती। मंडलायुक्त जैन नार्लिकर ने सोमवार को तारामंडल क्षेत्र में बनाए गए कच्चे नाले तथा वाटर स्पोर्ट्स का किया निरीक्षण, कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा त्योहार के मद्देनजर जिले में लागू है धारा 144, कोरोना महामारी की वजह से किसी भी धार्मिक आयोजनों में नहीं है भीड़ भाड़ की इजाजत, मूर्ति स्थापना ताजिया स्थापना सहित अन्य कार्यक्रमों पर रहेगा प्रतिबंध। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सोमवार को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का किया निरीक्षण, 30 दिसंबर तक कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशक ने किसान पाठशाला के लिए ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया आयोजन, आयोजित होने वाले किसान पाठशाला के संबंध में दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई टीम 11 की बैठक, कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई सहित सैनिटाइजेशन कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता के स्थानांतरण पर विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दी गई भावभीनी विदाई। गोरखपुर में सोमवार को 212 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, एक की हुई मौत, जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 5,659, अब तक 87 कोरोना पॉजिटिव मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 2,531 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में 4 सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को पिलाया जा रहा है आयुष काढ़ा, DM ने कहा आयुष काढ़ा पीने से बढ़ती है प्रतिरोधक क्षमता। टाउन हॉल स्थित एक कपड़े की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, नहीं हुआ कोई जनहानि। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आगामी सभी त्योहारों पर शासन ने लगाया पूरी तरह प्रतिबंध, ADM सिटी ने कहा घरों में करें पूजा इबादत, ना लगाएं भीड़, करें नियमों का पालन। 3 सूत्री मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर मुख्य नियंता को सौंपा ज्ञापन, कहा 20 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आमरण अनशन। और महानगर में 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन समाप्त होते ही सड़कों पर उमड़ी भीड़, ADM सिटी ने कहा शासन के निर्देशानुसार की जाएगी आगे की कार्रवाई।